मोतिहारी में कागज से फूंक मारकर शराबियों की पहचान करने वाले पुलिस डॉक्टर सवालों के घेरे में, सरकार वकील ने पूरी प्रक्रिया को गैर कानूनी करार दिया है। वहीं डॉक्टर भी अब इस बात पर अड़े हैं कि मुंह सूंघकर शराबियों की पहचान की जा सकती है। मोतिहारी में कागज का ब्रेथ एनालाइजर बनाकर पियक्कड़ों की पहचान करने वाले डॉक्टर अब सवालों के घेरे में हैं। सरकारी वकील ने डॉक्टर पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकारी वकील ने पूरी प्रक्रिया को गैर कानूनी बताया। बिहार मद निषेध उत्पाद संशोधित अधिनियम 2016 के धारा 37 में स्पष्ट प्रावधान है कि ब्रेथ एनालाइजर में पीने वाले को फुकवाया जाता है, उससे जो प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर उसको पीने का अल्कोहल पीने की पुष्टि की जाती है और नहीं पीने की पुष्टि की जाती है। दूसरे प्रक्रिया कानून में तो प्रावधान है, आजकल न्यायालयों का जो नियम नया आ गया है उसके अनुसार बिना ब्लड सैंपल का खून में कितने अल्कोहल की मात्रा पाया जाता है, द्वितीय अपराध सजा नहीं दे रहा है सभी न्यायालय। इसके बाद भी डॉक्टरों की दलील है कि मुंह सूंघकर पियक्कड़ों की पहचान की जा सकती है, हालांकि कितना पिया है ये बताना मुश्किल है। जैसा आप बता रहे हैं उसके हिसाब से हमारे यहाँ ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री और मरीज से पूछ के, लोगों से पूछ के उसका देखा जाता है, और जो आप वैसा बता रहे हैं वैसा प्रारंभिक जाँच में किया जा सकता है, लेकिन उसमें कितना परसेंट अल्कोहल का मात्रा ये सब नहीं बताया जा सकता। दरअसल रक्सौल थाने की पुलिस ने 12 लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कागज का ब्रेथ एनालाइजर बनाकर फूंक मारकर शराब की पहचान की गई थी और ठप्पा लगाकर उसे जेल भेज दिया गया था। जबकि नियम कहता है किसी भी शराबी की पहचान ब्रेथ एनालाइजर से होगी, ब्लड टेस्ट भी प्रूव माना जाएगा, क्लिनिकल टेस्ट भी मान्य है, मुंह सूंघकर की गई पुष्टि को कोर्ट नहीं मानता है। पुलिस डॉक्टर की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। पंकज, जी मीडिया, मोतिहारी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।